ओके सो हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में। मैंने दो बार क्लास में बता दिया है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब हम कभी कभी कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं और उसके दौरान अगर मान लो हमने मैं दिखा रहा हूँ आपको फनल बना करके एक बार सर आपने दिखा दी थी वीडियो। फिर से दिखा देता हूँ। हाँ तो बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जब हम क्या करते हैं, मान लो हमने क्या किया, एक फनल के अंदर लिया चीजों को, और या कभी भी बेटा ये फनल से ही रिलेटेड नहीं है, कभी भी अगर आप सर्कुलेटरी मोशन करवाते हो, मान लो किसी किसी बीकर में ही अगर आपने क्या किया सर्कुलेटरी मोशन करवाया लिक्विड का, तो होता क्या है, जब भी आप लिक्विड को सर्कुलेट करवा रहे होते हो तो बाहर की दिशा में एक फोर्स लगता है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है। यू कैन ड्रॉ इट आल्सो। ये फोर्स बाहर की दिशा में लगता है और इसके रिजल्ट में कुछ ऐसी चीज होती है कि जो इसका हल्का पार्टिकल है वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। दिस इज द लाइटर और ये वाला जो पार्टिकल है हीवियर, तो बाहर वाला जो नीचे वाला पार्टिकल है हीवियर क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और जो लाइट पार्टिकल है वो क्या होता है बेटा, ऊपर चला जाता है। तो इससे हमें क्या कर, हमें अगर हम चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं इजिली, हम चाहें तो लाइट पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं और लाइट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, और जो हीवे पार्टिकल है वो नीचे का नीचे एज इट इज बैठ जाएगा। तो ये हम करने के लिए इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंटर से आउटर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा करके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उस फोर्स के द्वारा इसको हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले लिखो पॉइंट्स सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। तो पॉइंट नंबर वन, इफ वी हेडिंग डाल दीजिए। बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन, इफ वी वांट टू सेपरेट ए लाइटर एंड इफ वी वॉन्ट टू सेपरेट ए लाइटर एंड ए हीवियर पार्टिकल, ए लाइटर एंड ए हीवियर पार्टिकल मिक्स्ड टुगेदर एज ए लिक्विड देन वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सर आपने मिक्स्ड के बाद क्या लिखा है? मिक्स टुगेदर बेटा, टुगेदर मिक्स टुगेदर देन वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इन दिस प्रो ऐसे पॉइंट डालते लिखते चले रहना। इन दिस प्रोसेस वी गिव्स ए सर्कुलेटरी मोशन टू द लिक्विड एंड लिक्विड अप्लाई ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हीवियर पार्टिकल goes downward direction. सर लिक्विड के पास क्या लिखा है? Apply a centrifugal force on it. सर पहले वाले लिक्विड के पास. Then यहाँ पे लिख रहा बेटा. सर ये पॉइंट बनाना के लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है. अगर पॉइंट से लिखोगे तो पढ़ने में इजी होता है, और पॉइंट से नहीं लिखोगे तो स्टोरी जैसा लगता है, फिर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. ओके बेटा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हीवियर पार्टिकल गोज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लाइटर पार्टिकल towards upward direction. We can separate lighter and heavier particle. Now we can separate lighter and heavier particle from each other as they are separated in the container or separated in the container or tube. This is the process. I already showed you what is the centrifugation process, or हमने वहाँ पे इमेज बना के वीडियो दिखा के हर चीज दिखाया हुआ है. कोई दिक्कत होगी बेटा प्लीज राइट डाउन. राइट डाउन बेटा राउट. So please wait 5 minutes. Yeah, I'll wait, beta. Just write down, no problem. Write down clearly, beta. अगर कुछ नहीं आ रहा तो मुझे बता. Sir, container और के बाद क्या लिखा है? ट्यूब. यस ट्यूब बेटा, जो ट्यूब घुमा रहे थे याद होगा? यस सर. सर थोड़ा नीचे कर देना. नीचे कुछ नहीं है बेटा. ओके सर. सर डन बेटा, जिसका डन हो गया शांत रहेगा. जिसका डन, अब एक बार 5 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो सही से.
हो गया बेटा सबका? नो सर प्लीज वेट, राइट डाउन, राइट डाउन जल्दी, राइट डाउन यार प्लीज राइट डाउन। सर डन, फुल डन। सर डन हो गया सबका? नो सर मैं बस लास्ट पॉइंट पे ही हूँ। ओके बेटा ओके डन। हो गया सर, सर डन। सर डन, सर फुल डन हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल प्रोगेशन। अभी हम बात करते हैं, एक दो प्रोसेस और हमारे पास बचते हैं। एक क्रिस्टलाइजेशन बचता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बचता है, फिल्ट्रेशन बचता, उसके बाद डेंसिटी रिमूवल बचता है। तो दो तीन प्रोसेस और बचते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। तो सेंट्रल प्रोग्रेशन आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को आई नहीं होगी। yes, बस सर्कुलेट करके एक बार देखना, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार यूट्यूब पे इसके एग्जांपल क्या होंगे। जैसे ब्लड सैंपल एग्जांपल लिखो, जैसे बटर को क्या करते हैं, सब बताया बेटा, एक एग्जांपल नहीं, चार चार पांच पांच एग्जांपल बताया। बटर रिमूव्स फ्रॉम मिल्क, और भी बताया था आपको उसके बाद। बटर के सब बटर मिल्क सब ब्लड का बताया था वहाँ पे तो सर्कुलेट कर रहे थे, वो तो एक अलग प्रोसेस था। देखो चर्निंग में क्या था कि चर्निंग में हमने आपको प्रोसेस अलग से बताया है, यहाँ पर क्या था कि बेटा देखो चर्निंग तो केवल उतना था कि कोल्स को जब सर्कुलेट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पूरे पूरे प्रोसेस का पूरे पूरे प्रोसेस को दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो जो प्रोसेस है जहां पर छोटा पार्टिकल जो है, जो लाइटर पार्टिकल है, जैसे कि बटर, बटर में बेटा डेंसिटी बहुत कम होती है तो बटर ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वो नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि लिक्विड में जो जैसे जैसे छाछ से निकालते हैं बटर को, तो छाछ क्या होता है नीचे की तरफ भागता है और बटर ऊपर की तरफ आता है, उसको हम लेयर से निकाल करके हटाते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो कहलाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। ठीक है? ओके सर, ओके सर। यस, सेपरेटिंग फनल्स बताना पड़ेगा एक बार उसको, लिखो सेपरेटिंग फनल्स। Separating funnels. पहले लिखना बता देता हूं आपको मैं, है कुछ नहीं बेटा इसमें, बस दिमाग लगाने की बात है। अच्छा कभी क्या किसी ने सोचा है कि जो बर्फ होती है वो आइस पे रखने पर तैरती क्यों है? सर क्योंकि बर्फ लाइट होती है। सर वी हैव टू ड्रॉ दिस। सर व्हाट सर क्या बोल रहे थे? क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर आपने पानी की टंकी में स्लीपर को फेंक दो तो स्लीपर पानी के टंकी के ऊपर तैरती रहती है, व्हाई? कि जितना पानी उस टंकी ने कंटेन किया है सर, उसके हिसाब से जो हमारी स्लीपर है वो लाइट वेटेड है। ओके ठीक है सर, पानी की डेंसिटी जानते हैं वो स्लीपर की कम है। So have you idea about density? Yes, sir. What is density? What is density, beta?
सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसिफिक सर मास अपॉन वॉल्यूम। देखो पहली तो बात तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है सर, फॉर्मूला तो ये होता है बेटा। अब अगर मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं कि इतनी बड़ी आप बिस्किट ले लो, क्या ले लो? बिस्किट। बिस्किट ये किसका बना हुआ होता है बेटा? सर मैदा। सर मैदा। चलो मान लो वीट के पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है? इसको ये बोला बिस्किट, ठीक है? मान लो पार्ले ही है या कोई सा बिस्किट है, एक बिस्किट ले लिया। अब इतनी बड़ी आपने क्या ले ली, एक प्लेट ली, या उतना ही बड़ा बिस्किट आपने आयरन का ले लिया। आयरन मतलब क्या होता है बेटा? लोहा। लोहा। अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा ज्यादा वेट का होगा तो क्या कोई दिक्कत है? आयरन का होगा, जबकि ये भी उतना ही बड़ा है और ये भी उतना ही बड़ा है। तो साइज अगर बराबर है, साइज इसका भी बराबर है, ए है या बी है, ठीक है? साइज ऑफ ए, नहीं हाँ लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, यू कैन राइट साइज। यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देना डेंसिटी और उसके बाद लिख सकते हो आप साइज ऑफ ए इज इक्वल टू साइज ऑफ बी। लेकिन हो क्या रहा है बेटा? वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेट ऑफ ए। क्या मैं सही हूं बेटा? बी का वेट ज्यादा है, आप ए की जगह पर बेटा बी का वेट ज्यादा है ना? यस सर। बी का वेट ज्यादा है जबकि बी का साइज ए के समान है, इसीलिए कहते हैं बी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी के पास डेंसिटी ज्यादा है, केवल मास अकेले से वैलिड नहीं है। अगर मान लो एक जो बिस्किट है, अगर बिस्किट बहुत बड़ा हो जाता तो भले ही इसके पास क्या सर साइज कितना भी बड़ा हो, वेट तो उतना ही रहेगा ना? नहीं नहीं, अगर मान लो बिस्किट बहुत बड़ा ले लेते, ठीक है, और इसके पास ये सेम है, वेट करो यार, वेट करो प्लीज भैया, वेट करो प्लीज। अब इसके पास क्या है? ए है, ये बी है। अब यहां पर बिस्किट है और यहां पर आयरन है, अभी भी इन दोनों का मास सेम हो सकता है या हो सकता है कि वेट ऑफ बी ए से ज्यादा हो या ए ए बी से ज्यादा हो। तो ये केवल बेटा म्यूट कर लो यार प्लीज। तो ये केवल वेट पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे भी डिपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। आपके हाथ में जो अगर पार्टिकल है, अगर सेम वॉल्यूम का है, उसके बाद जिसमें वेट, बेटा प्लीज म्यूट कर लो यार, रिमूव कर देता रुको बेटा, इस बार अगर म्यूट किया तुरंत रिमूव कर दूंगा मैं। दिव्या प्लीज म्यूट और सर प्लीज। हाँ तो अगर साइज की मैं म्यूट कर ही देता हूं, रुको एक मिनट। बेटा केवल ए चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम अकेले पर डिपेंड नहीं करती, साइज पर भी डिपेंड करती है। तो जिसके पास साइज अगर सेम है दो चीजों की, उसके पास क्या होगा? मान लो मास सेम है, ठीक है, या वॉल्यूम सेम है, तो वो दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं और उनको हम अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो डेंसिटी होती है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एम वाई वी, मतलब मास अपान वॉल्यूम। तो जिसके पास जनरली अगर वॉल्यूम सेम है, अगर सेम वॉल्यूम की चीजें हैं, तो जिसके पास मास की वैल्यू ज्यादा आएगी उसके पास डेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी।
तो अगर हम किसी भी लाइट डेंसिटी वाले, अगर मान लो डी वन है और डी टू है और डी थ्री है, ये तीनों क्या है, डेंसिटीज हैं। अगर डी वन की वैल्यू डी टू से ज्यादा है और डी टू की वैल्यू डी थ्री से ज्यादा है, और डी वन डी टू डी थ्री तीनों ही लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है और ये लिक्विड सी है, और अगर तीनों लिक्विड क्या हैं, इनकी डेंसिटी वेरी कर रही है, ए की लिक्विड डी वन है, बी लिक्विड की डेंसिटी डी टू है, सी लिक्विड की डेंसिटी डी थ्री है, और डी वन डी टू से ज्यादा है, डी टू डी थ्री से ज्यादा है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं, डी थ्री अगर एक लेयर है वॉटर की, मान लो कोई भी लेयर है लिक्विड की, तो डी थ्री के ऊपर ये सबसे नीचे डी थ्री आएगा, इसके ऊपर डी टू क्या करेगा, तैर सकता है, इसके ऊपर डी टू की लेयर तैर सकती है, ठीक है, और डी टू के ऊपर डी वन की लेयर तैर सकती है, मतलब ऐसे अगर लेयर्स बन रही हैं, अगर ये लिक्विड्स हैं, एक दूसरे के ऊपर तैरना है मान लो इनको, या एक दूसरे से सेपरेटेड रहना है लिक्विड फॉर्म में, तो इनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए, अगर डेंसिटी वेरी कर गई है तो कम डेंसिटी वाला ऊपर रहेगा और ज्यादा डेंसिटी वाला, सॉरी डी वन ये हो जाएगा आपका, एक मिनट लिख देता हूं मैं, डी वन नीज, अरे रुक जाओ यार प्लीज, व्हाट आर यू रेजिंग योर हैंड, व्हाई आर रेजिंग योर हैंड, डी वन है, ये डी टू है और ये डी थ्री है, डी थ्री क्या करेगा, सबसे ऊपर रहेगा और डी वन सबसे नीचे रहेगा, तो जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होता है इसके पास मोर डेंसिटी है, इसके पास लीस्ट डेंसिटी है, जब सबसे कम डेंसिटी वाला जो पार्टिकल होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसी के बेस पर जो हमने बताया है उसके प्रोसेस को भी करते हैं, ये प्रोसेस है सेपरेटिंग फनल के लिए, सेपरेटिंग फनल में भी हम ज्यादातर डेंसिटी पे ही बात करते हैं, यू कैन राइट इट आल्सो, आदित्य शर्मा रेजिंग हिज हैंड, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, व्हाई, हाँ बेटा बोलो, सर कैन आई वांट टू टेल दिस दैट कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, बेटा जिस पार्ट लिक्विड में, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है वो लिक्विड नीचे रहता है, और जो लिक्विड, अगर आपने क्या किया, तीन चार लिक्विड लिए, मान लो एक आपने, एक मिनट सुन लो बेटा फिर करना, डेंसिटी का मतलब समझ गया सबने, हर कोई समझ गया ना, यस सर, कोई दिक्कत, यस सर, ठीक है, व्हाट इज, नो सर, क्या सर, डी थ्री और डी टू और डी वन का मतलब क्या होता है बेटा, डेंसिटी नंबर वन मतलब लिक्विड नंबर वन की डेंसिटी, डेंसिटी नंबर टू मतलब लिक्विड नंबर टू की डेंसिटी, और लिक्विड नंबर सी की डेंसिटी डी थ्री, तीनों के लिए एक वेरिएबल दिए हमने, नाम दिए हैं बस, अब चाहो डेंसिटी वन डेंसिटी टू डेंसिटी थ्री भी उसको लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो उसको, लेकिन डेंसिटी मानो कि ये पहले की डेंसिटी, दूसरे की डेंसिटी और तीसरी की डेंसिटी, कोई दिक्कत, व्हाट इज दिस डेंसिटी, बेटा इतनी देर से यही तो पढ़ा रहा हूं यार, एक घंटा हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब अगर आपका वॉल्यूम सेम, डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन, या यू कैन राइट द डेफिनेशन आल्सो, राइट डाउन, सर पर हम लोग डेंसिटी की क्यों लिख रहे हैं, बता रहा हूं बेटा, फॉर यूनिट वॉल्यूम द मास ऑफ, या इन ए यूनिट वॉल्यूम लिख लेना यहां पर, इन ए यूनिट वॉल्यूम द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड density of that substance. For a unit volume, the mass of any substance is called the density of
दैट सब्सटेंस। अगर हमें डेंसिटी नहीं पता चल पाएगी तो हम किसी का वेट नहीं पता कर पाएंगे कौन भारी है कौन नहीं। अब अगर भारी कोई भारी है कोई हल्का है, अब कोई कोई मान लो एक 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 सेम तरीके का कोई आप ले आए हो बिस्किट, ठीक है, और दूसरी सेम तरीके का बिस्कुट सेम ही है, वही तो बता रहा हूँ समझ नहीं आया। बिस्किट नंबर वन है, बिस्किट नंबर टू है। अब अगर दूसरे का बिस्किट का अगर वेट ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इसको हम पकड़ के देख सकते हैं अगर इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर आप अंदर चेक करने जाओगे तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आप सीधे सीधे वेट चेक करो। अगर वेट अगर दो वेट सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए वेट किस चीज के लिए सेम होना चाहिए सर? डेंसिटी के लिए। अगर डेंसिटी सेम होगी तो दोनों का वेट भी सेम आएगा। अगर डेंसिटी डिफरेंट होगी, अगर अरे बेटा इतनी देर से मैं वही चीज तो बता रहा हूँ, अगर नहीं समझा तो वही तो बता देना चाहिए था। अगर कोई अब कैसे बता दूं कौन सी चीज में ले लूं, इतना बिस्किट जैसा एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, मैं कौन सा एग्जांपल ले लूं, जो कहो वो बता दो। अब मान लो आपको कोई एक कोई कोई भी पेन है आपके पास, मान लो कोई पेन है, ये पेन नंबर वन है और ये दूसरी पेन नंबर टू है। अगर पेन वन और पेन टू सेम हाइट की हैं, सेम आकार की हैं, सब कुछ सेम है, तो जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सही है? यस सर। अब अगर इसका वेट ज्यादा हुआ, इसका ये वन है ये टू है, अगर वन का वेट ज्यादा हुआ तो वन की डेंसिटी ज्यादा आएगी, टू का वेट ज्यादा हुआ तो टू की डेंसिटी ज्यादा आएगी, कोई दिक्कत? नो सर। बेटा समझ में आया कि नहीं अभी? कोई अपने मुझे क्या होती है डेंसिटी? यस सर, आगे समझ में आ गया। समझ बोलो सर, अगर कोई दो लिक्विड हुए उनका सब डेंसिटी बिल्कुल सेम है तो क्या वो उसके ऊपर तैरेंगे? नहीं बेटा, मिक्स हो जाएंगे। बेटा मिक्स हो जाएंगे। ओके सर, अगर मिस्टेबल है तो मिक्स हो जाएंगे, नहीं एक दूसरे के बगल भी आ सकते हैं वो, अगर मिस्टेबल नहीं है तो, लेकिन वो तैरेंगे नहीं। फिर सर आप सेपरेटिंग फनल का वो डेफिनेशन कब लिखवाओगे? भैया लिखवा दे रहे हैं, डेंसिटी समझ में आई कि नहीं समझ आई? सर आ गई। वेट करो ना, एक ही चीज लिखवा दूंगा यार, इतना टेंशन क्यों लेते हो? तो मुझे पता होगा कि क्या लिखाना क्या नहीं लिखाना है। अब डेंसिटी लिख लिया, इन अ यूनिट वॉल्यूम द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी बता दी कि क्या होती है। अब डेंसिटी से आप ये पता लगा सकते हो किसी को कोई लाइट चीज है या वेट उसका भारी है हल्का है, इसी चीज का पता लगाने के लिए हम डेंसिटी को पढ़ते हैं जनरली हमेशा। अब अगर हमारे पास अब एक सेपरेटिंग फनल होती है, सेपरेटिंग फनल का मतलब कुछ भी नहीं होता, डिफिनेशन बार बार आपने करी है, उसको मतलब होता है सेपरेट करने वाली एक फनल, मतलब कि उसके अरे यार ऐसे एक नॉर्मल सी फनल जिसके अंदर आप सेपरेशन कर सकते हो, बस उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब यहां पर हमने क्या किया, ऊपर से नीचे तक। अब एक बार प्रोसेस को समझना कैसे प्रोसेस करते हैं। पहले हमने लिक्विड नंबर वन डाला, तो सबसे एक लिक्विड डाला, फिर दूसरा लिक्विड डाला, फिर तीसरा लिक्विड डाला, तो बताओ बेटा कौन सा लिक्विड ऐसा होगा सबसे नीचे बैठेगा? सर जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अभी हमने यहां से इसको पैक कर रखा है और हम नीचे पानी नहीं जाने दे रहे हैं, या जो भी लिक्विड है नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अब हमने पहले लिक्विड नंबर वन को इसके अंदर डाल दिया, तो सबसे पहले या पहले लिक्विड नंबर वन डाला, फिर लिक्विड नंबर टू डाला, फिर लिक्विड नंबर थ्री डाला, तो जो लिक्विड सबसे नीचे बैठ रहा है उसके पास डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो मान लो इसके पास डेंसिटी क्या है, डी थ्री है या डी वन है। मान लो इसके ऊपर जो लिक्विड बैठेगा, अगर इसके पास डेंसिटी फिर से कैलकुलेट करोगे तो मान लो इसके पास डेंसिटी है डी टू, इसके ऊपर जो बैठेगा उसके पास मान लो डेंसिटी है डी थ्री, ये हो गया डी थ्री, डी वन डी टू और डी थ्री। अच्छा अगर हम अब इस वॉल्व को या जो पैक कर रखा था इसको अगर मैं हटा दूं तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड यहां पर, अगर मैं नीचे ग्लास लगा दूं तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड नीचे आएगा? सर डी वन। सबसे नीचे जो D1 है नीचे आ जाएगा,
धीरे धीरे जो ग्रीन वाला लिक्विड है ये नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और यहां पर हम इसको अलग से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस सर। हम चाहें तो इसको हम किसी दूसरी जगह पर रख लें और तुरंत ही हम चाहें तो अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे इस वाले लिक्विड को हमने दूसरे जार में निकाल लिया कहीं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर लिक्विड भर गया, अब ये वाला हमने खाली कर दिया। अब अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं इस चीज को, दिमाग लगाना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा, बहुत टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। अब मैं फिर से इसके अंदर ड्रॉ करूं तो अभी इसके पास दो लिक्विड और बचे हुए हैं, इज दैट क्लियर? एक एक ब्लू वाला और एक रेड वाला बचा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले नीचे ब्लू वाला लिख लिया और अब वॉल को मैंने बंद कर दिया है, तो नीचे वाला जैसे ग्रीन को निकाल लिया वैसे वॉल को बंद कर दिया, और अभी यहां पर ब्लू वाला बचा है, ठीक है, और उसके ऊपर रेड वाला बचा है, उसके ऊपर रेड वाला भी बचा है, बचा ही नहीं बचा बेटा। अब अगर मैं अब और यहां पर हमने ग्रीन वाले लिक्विड को हटा दिया है और इसको मैंने इम्प्टी कर दिया है कुछ देर के लिए, ठीक है। अगर मैं इस वॉल्व को फिर से ओपन कर दूं तो क्या होगा? तो चला जाएगा, ब्लू वाला लिक्विड नीचे आने लग जाएगा और धीरे धीरे ब्लू वाला लिक्विड इस एम्प्टी ग्लास को भरने लग जाएगा और धीरे धीरे ब्लू वाला खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लू वाले को कहीं अलग से निकाल लेंगे एक अलग से कंटेनर के अंदर और वहां पर ब्लू वाला रख लेंगे और इसको हम खाली कर लेंगे इस वाले जार को। अब हमारे पास केवल एक टाइप का लिक्विड अंदर बचा है, चाहे तो डायरेक्ट कर लें वॉल के अंदर। अब हमारे पास केवल एक लिक्विड बचा है और उस लिक्विड को हम इस फनल से कभी भी निकाल सकते हैं, हमारे पास कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो केवल मेरे पास रेड लिक्विड बचा है और अब रेड लिक्विड के बचा है और हमारे पास जो ये वॉल्व है वो बंद है और नीचे इसके क्या है, एक जार एम्प्टी रखा हुआ है, एम्प्टी ग्लास रखा हुआ है। अब हम अगर चाहें इस वॉल्व को ओपन कर दें, जैसे ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, इसका जो लिक्विड है ये कूद कूद करके नीचे एम्प्टी बॉक्स में भर जाएगा। और भरने के बाद क्या आपको नहीं पता चला, यहां पर ग्रीन लिक्विड इस वाले में हो चुका है, ब्लू लिक्विड इस वाले में हो चुका है और रेड लिक्विड इस वाले में हो चुका है। और अगर और ये तीनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो चुके हैं, क्या सेपरेटेड नहीं हो चुके हैं? हो चुके हैं सेपरेटेड। अगर बेटा यही डेंसिटी का प्रोसेस नहीं होता, सपोज दैट अगर डेंसिटी में डिफरेंस नहीं होता तो क्या इनको हम सेपरेट कर सकते थे? नो सर। बेटा कैसे कर सकते थे सर? अदर प्रोसेस। हाँ, कर तो सकते थे, लेकिन क्या इस प्रोसेस से सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम इसको हटा सकते थे, प्रोसेस को कर सकते थे? नो सर। बिकॉज अगर वो मिक्स्ड होते बेटा तो जब मैं वॉल्व को खोलता तो हो सकता था कि D1 के साथ D2 भी नीचे आ जाता, D2 के साथ D3 भी आ जाता, मतलब एक सारे लिक्विड एक साथ भी नीचे एक ही कंटेनर में आ सकते थे और इसी तरह हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट की बात क्या रही, डेंसिटी में डिफरेंस था और डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से क्या हुआ, सेपरेशन करना इजी हुआ, हमने प्रोसेस को बार बार ओपन किया आउट किया ओपन किया आउट किया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक भी बच्चा इस क्लास में जिसको ये प्रोसेस समझ नहीं आया? जिनको आया वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो बताएं, ठीक है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं आया तो जिसको आया कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हमने तीन चीजें करी थी, नीचे D1 लिक्विड था, ऊपर D2 लिक्विड था और सबसे ऊपर D3 लिक्विड था। बेटा अगर मैं पूछ लूँ कौन सा लिक्विड ऐसा है जिसके पास डेंसिटी सबसे कम है तो क्या कोई बताएगा कौन से डेंसिटी? अगर मैं पूछूं कि कौन से डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो क्या कोई बता देगा? D1। कौन सी डेंसिटी सेंटर पे है, मिडिल में है? D2। पक्का कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना?
यस सर यस सर कर लेंगे। होगा क्या, यहाँ पर जो ग्रीन वाला था नीचे था, फिर ब्लू वाला था, फिर लिक्विड था। सबसे पहले क्या किया, वॉल्व को बंद किया था। उसके बाद जैसे क्या किया, वॉल्व को ओपन किया, बेटा कौन कर रहा है ये, फिर वॉल्व को ओपन किया। वॉल्व को ओपन करके सीधे सीधे हमने ग्रीन लिक्विड को बाहर कर लिया, और ग्रीन लिक्विड को बाहर करके तुरंत वॉल्व को बंद कर दिया। और जैसे ही वॉल्व बंद हुआ, वैसे ही डी टू लिक्विड नीचे आ चुका था। अब डी टू लिक्विड नीचे आ चुका था, हमने ग्लास को एम्प्टी किया और सीधे सीधे अब डी टू लिक्विड को निकालने की तैयारी में है। और जब डी टू लिक्विड को निकालने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त केवल डी टू लिक्विड ही यहाँ पर था, और यहाँ पर हमने तैयारी को कंप्लीट किया, नीचे की तरफ ग्लास में डाल दिया और फिर इसको मैंने सेपरेट आउट कर लिया और फिर से ग्लास को एम्प्टी किया। और जब डी थ्री लिक्विड नीचे बच गया तो फिर से हमने वॉल्व को खोला और फिर से एम्प्टी बॉक्स के अंदर डाल लिया। पहले तो तीनों के तीनों प्रोसेस को ड्रॉ करो। क्या हो सकता है बेटा? सर नल, सर नल से तो तीनों आ जाएंगी, नल से हो ही नहीं सकता। बेटा नल में तो हो सकता है, लेकिन डेंसिटी नल में तो, बेटा नल में, नल के अंदर वाटर होता है, अब वाटर की डेंसिटी तो फिक्स होती है ना बेटा? यस सर। किसकी डेंसिटी? हाँ हाँ, लेकिन बुक में तो अलग ही कुछ दिया गया है, इसमें केरोसिन ऑयल है, वाटर है। बेटा वो एग्जांपल है, एग्जांपल लिखा दूंगा केरोसिन ऑयल का और वाटर का, ठीक है? बस केरोसिन ऑयल और वाटर का जो लिखा गया है वो इसीलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी थोड़ी कम होती है इसलिए वो ऊपर तैरता है, और जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आप कभी भी ऑयल को, अगर सिंपल ऑयल को भी डाल के देखो ना, तो वो पानी के अंदर तैरता रहेगा ऊपर। सर मैंने साइड में ये भी लिख लिया कि डी वन ज्यादा होता है, डी टू मिडल होता है और डी थ्री वो है सबसे कम। अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। बेटा इसको ड्रॉ कर लिया सबने। सर वाटर और केरोसिन ऑयल में से किसकी ज्यादा है डेंसिटी? अगर आप फिगर में देखो तो कौन सा नीचे है, वाटर नीचे है ना? यस सर। तो फिर किसकी ज्यादा हुई? सर वाटर की। ड्रॉ कर लिया इसको, बेटा एक एक बार ड्रॉ कर लो प्लीज, एक मिनट ले लो, ड्रॉ कर लो इसको। किसी के पास कर लिया ड्रॉ? किसी के पास तीन डिफरेंट पेन? तीन डिफरेंट पेन तो नहीं होंगी ना सबके पास? सर मेरे पास एक बॉयल है, एक जेलो और एक पेंसिल है। ओके ड्रॉ कर लो बेटा उससे, फिर जल्दी ड्रॉ करो, जल्दी ड्रॉ करो, फिर लिखा दो थोड़ा सा इसके बारे में। सर कर लिया। दो मिनट ले लो, कुछ बच्चे नहीं किए होंगे। सर मैंने भी कर लिया। मैं आगे लिखा रहा हूं सर। कुछ लिखाया है इसमें बेटा मैंने अभी तक? ये पूछ रही थी कि सेपरेटिंग फनल हुआ कि नहीं हुआ। बेटा सेपरेटिंग फनल ही चल रहा है अभी, समझ नहीं आया सेपरेटिंग फनल का वर्क क्या है? नो सर आ गया समझ में सर, वो एक बच्चा बीच में बोल दिया था तो। आपको नहीं बोल रहा कोई बात नहीं, अगर नहीं आता मैं लिखा तो रहा ही हूँ बेटा, लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं ना बार बार सेपरेटिंग फनल, उसको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। सेपरेटिंग फनल यही होता है बेटा कि सेपरेट करने के लिए जो एक फनल का यूज करते हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा, इसमें सामने ड्रॉ करके फनल दिखा दी है, इस फनल से हम सेपरेट करते हैं लिक्विड्स को, और उसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है बेटा। अगर लिखना है तो पूरा मैं लिखा दूंगा और एक एक पॉइंट करके, वो भी एक नया पॉइंट होगा एक्स्ट्रा याद करने के लिए। बना लिया?
एम्प्टी बॉक्स के साथ बना लिया ना सब कुछ, जिन्होंने नहीं बनाया है वीडियो लेक्चर देख करके बना लेंगे इसको, ओके? लिखो पहले सेपरेटिंग फनल लिख लो, क्या वो सर सेपरेट द के बाद क्या लिखा है? सेपरेट द इमिसिबल, इमिसिबल मतलब जो ना घुल सकते, जो मिल नहीं सकते जो मिक्स नहीं हो सकते, जैसे कि अगर डिफरेंट डेंसिटी होगी तो वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है? आगे लिखो बेटा, ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था इसलिए मैं बार बार बता रहा था, सेपरेटिंग फनल इतना जान लो कि सेपरेट जो करने के लिए यूज किया था इसे सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। आगे लिखो, द प्रोसेस ऑफ Immiscible liquid is based on density difference. Just give me 1 minute. सर हमें लाइन छोड़नी है फिर उसके साथ ही लिखना है ये। बेटा उसके साथ ही लिखना है, सब कुछ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इस ये सेपरेटिंग फनल अलग है बेटा और ये अलग है। अब मैं स्टार्ट कर दिया लिखाना, मैंने क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेस लिख लेना, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of immiscible liquid. Process of separation of immiscible liquid is based on density difference. The first point. The second point will be let three different liquid having their densities D1, D2, D3 is taken in the separating funnel. In which, let three different liquid having the densities D1, D2, D3 is taken in a separating funnel. Beta density किसकी ज़्यादा थी? Sir, D1. In which D1 is greater than D2 is greater than D3. So we can easily separate these liquids
so we can easily separate these liquids by the use of density such that the liquid having सर प्लीज स्क्रॉल बेटा आप स्क्रॉल अप करके तो नहीं दिखाएंगे, दो मिनट वेट कर लो, पूरा लिख देते हैं फिर उसके बाद कर देंगे। लिक्विड हैव ग्रेटेस्ट डेंसिटी, बेटा लिख, मैं भी साथ साथ रहा हूँ फिर भी नहीं लिख पा रहे हो। सर हमने ये देर के बाद क्या लिखा है? कहाँ देयर लिखा है, कौन सी लाइन में? सर हैविंग देयर, सर दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी हैव ग्रेटेस्ट डेंसिटी सच दैट द लिक्विड हैव ग्रेटेस्ट डेंसिटी विल बी एट डाउन मोस्ट पोजीशन in the funnel and that can separate easily by opening. सर एट के बाद क्या लिखा है? विल बी एट, विल बी एट डाउन मोस्ट पोजीशन, डाउन मोस्ट मतलब सबसे नीचे वाली पोजीशन इन द फनल, बट आप समझा दूंगा टेंशन मत लो, दैट कैन सेपरेट इजिली बाई ओपनिंग वॉल्व इन द सेपरेटिंग फनल। In the same process, sequence, other liquids can also be separated. Yes, beta. क्या किसको कौन नहीं लिख पाया अभी तक? मैं बताओ, मैं दिखा दूँ उसको। सर सर मैं लिख लिया। सर नीचे कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर कीजिए please. Yes sir. No sir. सर थोड़ा नीचे कर दो। हाँ बेटा बेटा ऊपर वाला लिख लेने दो ना उसको। सर अब कर लीजिए। सर आदित्य सर मैं बार बार वो कह रहा है टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। बेटा जिसका टाइम इज ओवर हो गया है वो प्लीज लीव कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अपना एक D1 D2 D3 का एक डायग्राम बना दो सेपरेटिंग फनल में। ओके बेटा, बेटा जिसका टाइम हो चुका है वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ओके सर आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए बस थोड़ा से। रुक जाओ यार एक मिनट, एक लाइन बना लेने दो। ओके सर। सर ओपनिंग के बाद क्या लिखा है? ओपनिंग के बाद
स्पिनिंग बेटा कौन सी लाइन नीचे से कौन सी लाइन में वैल्यू द लास्ट थर्ड वाल्व वाल्व वी एल वी पी वाल्व इसको बेटा वाल्व भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक जो स्टॉप कॉक होता है जैसे आपने आपने आपके घर पे वो देखा होगा पानी जिससे निकलता है जैसे टंकी जिस टंकी से जुड़ा होता है तो उससे जहां से उसको हम जो अरे एक उसको हिंदी में टोटी भी बोलते हैं ना तो जब उसको हम घुमाते हैं तो उसको बेटा जैसे घुमाते हैं उसे निकलने जाता है नीचे की तरफ तो बस इसको बंद कर देंगे तो नहीं निकलेगा तभी पानी निकलने के लिए हाथ में निकालते हैं नहीं पानी जैसे ग्लास निकालते हैं तो उसको हम ओपन करते हैं फिर बंद करते हैं उसको स्टॉप कॉक बोलते हैं और इसको वॉल्व भी बोल सकते हैं तो भाई मैंने वॉल्व लिखा है ओपनिंग वॉल्व और यहाँ पर हमने दो लिक्विड लिया हुआ है आप इसको देख सकते हो एक ये लिक्विड नीचे वाला है वॉटर बीच वाला है केरोसिन केरोसिन ऑयल और यहां पर सबसे ऊपर है दूसरे में रुको मैं अलग अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ बीच वाला जो है ये है केरोसिन ऑयल ठीक है और इसके ऊपर हम एक और लिक्विड ला रहे हैं जो आपकी ये मैं देखना कि कौन सा मॉड्यूल में क्या नहीं सर हम स्टॉप कॉक का वैल्यू भी बोल सकते हैं क्या सर हम डाउन मोस्ट के बाद ही लिखा है डाउन मोस्ट पोजीशन डाउन मोस्ट पोजीशन मोस्ट लिखा है बेटा सबसे नीचे ये है लिक्विड हाइड्रोजन सर लिक्विड हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है हाँ बेटा सबसे इन तीनों में सबसे हल्का होगा अब वाटर सबसे नीचे होगा तो वाटर के पास मॉलिक्यूलर डेंसिटी किसकी डेंसिटी ज्यादा लिखी थी बेटा D1 की ज्यादा लिखी थी ना जो सबसे नीचे रहेगा ये D1 हो गया मान लो ये D2 हो गया और ये हो गया D3 D1 सबसे ज्यादा है सबसे पहले वाटर निकाल लेंगे नीचे की तरफ हम कंटेनर लगा देंगे आराम से जैसे स्टॉप को खोलेंगे नीचे की तरफ वाटर फ्लो कर जाएगा दूसरे नंबर पे फिर केरोसिन फ्लो करेगा तीसरे नंबर पे लिक्विड हाइड्रोजन फ्लो करेगा इसी तरह से हम तीन प्रोसेसेस को निकाल सकते हैं अच्छा जिसने लिख लिया सबने लिख लिया ना इसको यस सर ओके मैं बताता हूं थोड़ा सा नीचे कर दो अरे यार जल्दी लिखो जल्दी लिखो जिसने नहीं लिखा बेटा रिकॉर्डिंग से लिख लेना यार सुनो पहले पूरी बात सुनो जिसने नहीं लिखा रिकॉर्डिंग से देख लेना यहाँ पे देखो मैं क्या मैंने क्या लिखा है वो पहले वो समझो लिखने के चक्कर बार बार मत पड़ जाओ यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड इज बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस पहली बात तो डेंसिटी की डिफरेंस पे डिपेंड करता है ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट है लेट थ्री डिफरेंट इन लिक्विड हैविंग देयर डेंसिटीज D1 D2 D3 टेकन इन द सेपरेटिंग फनल इन विच D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3 तो मैंने यहाँ पर सेपरेटिंग फनल में दिखा दिया कि D1 D2 से बड़ा है और D2 D3 से बड़ा है ठीक है तो D3 सबसे छोटा है ये देखो और तीनों फनल में लिए गए हैं उसके बाद इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो सबसे नीचे होगा ना बेटा वही तो किया है तेरे से वही तो बता रहा हूं दिक्कत है सबसे नीचे ही है ना बेटा ये नो सर उसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे है सो वी कैन इजीली सेपरेट दीज लिक्विड्स बाय द यूज ऑफ डेंसिटी हम डेंसिटी का यूज करके इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं सच दैट इस प्रकार से जैसे कि द लिक्विड हैव ग्रेटेस्ट डेंसिटी विल बी एट द डाउन मोस्ट पोजीशन तो जिसके पास सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी वो सबसे सबसे नीचे होगा इन द फनल एंड दैट कैन सेपरेट इजीली बाय ओपनिंग वॉल्व वो सबसे नीचे होगा और हम वॉल्व को या फिर स्टॉप कॉक को खोल करके उसको हम निकाल सकते हैं एंड इन द सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल से जो वॉल्व है उसको हम खोल के निकाल सकते हैं इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस अदर लिक्विड कैन आल्सो बी सेपरेटेड और इसी तरह से हम अदर लिक्विड मतलब कि केरोसिन और लिक्विड हाइड्रोजन इनको भी सेपरेट कर सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं रही इस क्लास में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एक केवल बस क्रिस्टलाइजेशन आई रिपीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन आई मूव फॉरवर्ड ओके सही से लिख लेना बेटा इसको रिकॉर्डिंग में देख के लिख सकते हो गुड बाय बेटा Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day.